वाहेगुरु 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 वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दास भाई जसविंदर सिंह पूछा अज असी दसूए दे लागे पिंड हरदोथला विखे पहुँचे हैं जी। ये थलिया पिंड विखे साडी एक भैन जी ने बहुत ही दुखी परिवार है जी, बहुत ज़्यादा दुखी परिवार है जी। 10-15 दिन होए ने भैन जी दे पति की डैथ हो गई। 30-35 साल उम्र से सारी जंग एसी अजे तो अचानक अटैक आ गया। अटैक आ गया, इन्होंने बड़ी कोशिश की, लैके गए हॉस्पिटल, जिथे जिथे भी हॉस्पिटल डॉक्टर ने कहा कि अमृतसर लै जाओ या होर जिथे जिथे भी लै जाओ, सारे थावां ते लै गए। पूरी इन्होंने कोशिश की पर बाद विच ओह नहीं बचे, डैथ हो गई उन्होंने 10-15 दिन पहला। तो भैन जी और बच्चे भी ने, बेटे ने, छोटे छोटे बेटे ने, बेटी भी है, तो बहुत ज़्यादा लोड़वंद परिवार है जी। घर भी आपां तुहानूं दिखाने, घर पूरा टुटिया होया इन्हां दा जी, बहुत ज़्यादा घर की माड़ी हालत है जी। घर विच कमाण वाला कोई नहीं हैगा। इन्होंने सानू हुक्म लाया सी, आपां इन्हां दे पिंड पहुंचे हाँ जी, महीनावारी करियाना लैके असीं आए हाँ जी। पूरा जिन्ना लोड़वंद समान हुंदा जी, पूरा पूरा लोड़ वाला समान असीं सारा इन्हां दे घर विखे पहुँचा रहे हैं जी, तां जो ये परिवार गुजारा कर सके। पूरा असीं महीनावर राशन दे घर दे के जा रहे हैं जी, क्योंकि प्रशादा तो आपां छकना ही है ना, चाहे कोई जी घर विच चढ़ाई कर जांदा फिर भी जीवन वास्ते कोई ना कोई प्रशादा तो चाहिए ही, ना छकना ही आपां जी। ये साडे भैण जी ने जी, बच्चे एक दो इन्हां दे मामियां ते रह रहे ने, छोटा बच्चा इत्थे रह रहा इन्हां कोल, क्योंकि बहुता खर्चा इन्हां कोल है नहीं, कम कोई कर नहीं सकदे। ते असीं इन्हां नूं करियाना दे के जा रहे हैं जी, ते बहुत ज़्यादा ये लोड़वंद परिवार है जी, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लोड़वंद परिवार है। 30-35 साल की उम्र सी इन्हां दे पति दी जी। ये माता जी ने, माता जी भी देखो आप जी बहुत ज़्यादा इस समय वैराग कर रहे ने। माता जी कोई गल नहीं जी, जिस तरह तुसीं कहोगे असीं उस तरह तुहाडे नाल हाँ जी, फिक्र ना तुसीं करो, असीं तुहाडे नाल हाँ जी, तुसीं याद करोगे असीं पहुँचांगे जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिन्नी साडे कोल कोशिश हुंदी है असीं कर रहे हैं जी, जिथे जिथे भी सानूं फोन आंदे ने असीं उत्थे पहुँचदे हाँ। असीं कोशिश करदे हाँ कि जिन्नी भी वध तों वध असीं मदद कर सकीए, करन दी असीं कोशिश करदे हाँ, बाकी करन वाला परमात्मा है जी। कबीर ना हम किया ना करहेंगे, ना कर सके शरीर, क्या जानो किस हर किया, पयो कबीर कबीर। करन वाला ओह परमात्मा है जी, असीं सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि जिथे जिथों भी सानूं फोन आंदा असीं उत्थे आ पहुँचीए, तो जाके असी उन्हां दी मदद करन दी अही कोशिश करते हैं जी। आओ तुहानूं घर विखाने हैं जी, आ देखो घर कितना टुटिया होया, पूरा घर है जी, पूरा घर टुटिया होया जी। आ देखो जी बाले भी इन्हां दे पूरे आ, आ देखो बाला टुटिया होया जी, पूरा बाले भी सारे टुटे हुए ने जी, घर दे बाला देखो पूरा टुटिया होया जी, पूरा घर थले नूं छत आया होया जी। इधर भी देखो जी, आप तुहानूं बाकी विखाने असीं, बाकी भी तुहानूं विखाने आ जी। आ देखो गुरु प्यारी साध संगत जी, इधर भी पूरे इन्हां दे बाले, आ देखो पूरियां इट्टां थले नूं आ गईआं होईआं जी, पूरियां इट्टां थले नूं आ गईआं होईआं। देखो जी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम विच परिवार, साडे कोल जिन्नी मदद होई आपां इन्हां दी कीती है जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, कोशिश करदे हां आपां कि वध तों वध असीं होर वी इन्हां दी मदद कर सकीए। आप जी ने आप साडी कोई भी वीडियो देखनी होवे ते यूट्यूब उपर वाहिगुरु आसरा चैनल बनया होया जी, उस चैनल नूं सबसक्राइब करो। यूट्यूब उपर वाहिगुरु आसरा चैनल बनया होया जी, उस चैनल नूं सबसक्राइब करो ते साडियां वीडियो नूं वध तों वध अगे शेयर भी करया करो, तां जो कोई होर लोड़वंद परिवार साडे तक पहुँच कर सके। फेसबुक उपर भी वाहिगुरु आसरा साडा पेज बनया होया जी। बहुत बहुत धन्नवाद जी NRI वीरां दा, बहुत बहुत धन्नवाद सहयोगी वीरां दा जिहड़ा साडा साथ दिंदे ने, बहुत बहुत धन्नवाद, बहुत बहुत धन्नवाद। गुरु नानक साहब इस तरह ही सिर ते हथ रख के सेवा लेंदे रहन,
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਛੱਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮੁੱਕਾ ਜਿਹਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕਾਕੇ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨ ਬੇਟਾ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਚਲ ਗਏ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਾਲੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਛੱਤ ਪਵਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਆਓ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ, ਆਓ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇ, ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਪਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਪਹਿਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੋ ਪਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ। ਆਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭੇਜਣੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 98-723-6495, 98-723-6495 ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।